बात एंड बॉल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में प्रशांत। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब का एक और सुपर हिट मैच जहां पे पंजाब हार गई। आखिरी ओवर में राजस्थान रॉयल्स के सामने पंजाब को चाहिए थे 4 रन, लेकिन कार्तिक त्यागी ने महज 4 बॉलों पे गेंद पलट दिया। आखिर के 2 विकेट उन्होंने लिए, मतलब अपने आखिरी ओवर में, और पंजाब की टीम 4 रन नहीं बना पाई, सिर्फ 2 रन ही बना पाई, और फिर मैच हार गया पंजाब का खेमा। और 185 बनाए थे राजस्थान ने, 186 चाहिए थे, लेकिन पंजाब की जो टीम है वो 183 रन ही बना पाई, और उसकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स 2 रन से ये मैच जीत गया। शानदार मैच रहा। एक वक्त ऐसा लग रहा था जब केएल राहुल और मयंक अग्रवाल खेल रहे थे कि हार जाएगी राजस्थान की टीम। जिस तरह से मयंक ने 67 रन बनाए और 49 राहुल के बल्ले से निकले, और उसके बाद में भी निकले पूरन तेज तर्रार पारी खेल रहे थे, लेकिन कार्तिक त्यागी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इंडिया अंडर-19 टीम से आए थे और पिछली बार इतना मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार उन्होंने इस मौके को भुनाया और कार्तिक त्यागी ने बता दिया कि आखिरी ओवर क्या होता है। जो लास्ट ओवर होता है ये पंजाब और राजस्थान की मैच का, वो कभी भी आसान नहीं रहता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। शानदार परफॉर्मेंस कार्तिक त्यागी के द्वारा, और राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच अपने नाम कर लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।